काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करूंगी कि वो पधारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करें। दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राम राम सा। भारत माता की, भारत माता की। तोरावटी की पुण्य भूमि से शीतला माता, शिला माता, जम्वाय माता और मनसा माता के चरणों में नमन करता हूं। मैं देवनारायण भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और मैं जनता जनार्दन को भी अनेक अनेक वंदन करता हूं। मैं सामने जो दृश्य देख रहा हूं, राजस्थान की जनता जनार्दन का इतना बड़ा जनसैलाब, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश, 4 जून का संकेत दे रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं और जयपुर का जलवा तो मैंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, पूरी दुनिया ने जयपुर का मिजाज देखा। साथियों, 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी ढूंढाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है और मैं देख रहा हूं आप सबने भी निर्णय कर लिया है। फिर एक बार साथियों, 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर 2 खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर विदेश में जाकर
भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। राजस्थान ने 2014 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून। साथियों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये चुनाव भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए है। ये चुनाव किसानों की समृद्धि के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। निर्णय आपको करना है। इतना ही नहीं साथियों,
जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव की बात कर रहे हैं, नहीं जीतेंगे करते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं और इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए कांग्रेस के लोग अपने खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं और इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुखी और समृद्ध हो, इसके लिए ये चुनाव बहुत अहम है। आज देश में बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, मैं परिवारवादी पार्टियां और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं और इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को देश में उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनके भ्रष्टाचार को खोल करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? वो मुझे गालियां देते हैं और यहां तक कह देते हैं, अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? वो कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है और मैं राजस्थान की धरती पर, ये वीरों की धरती है, इस जुबान के पक्के लोगों की धरती है, उस धरती पर कहना चाहता हूं, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। साथियों, पिछली सरकारों ने जिसे पूछा तक नहीं, मोदी ने उसे पूजा है। कांग्रेस ने देश के करोड़ों छोटे किसानों को कभी नहीं पूछा, मोदी ने राजस्थान के 85 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे हैं।
कांग्रेस ने कभी श्रमिकों मजदूरों को पूछने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिली। मोदी ने उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी, उनके लिए पेंशन योजनाएं बनाई। कांग्रेस ने देश के गरीबों को कभी नहीं पूछा। भाजपा सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है, और इतना ही नहीं, मेरी सरकार बहुत पहले निर्णय कर चुकी है आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मैं भीख भूखे पेट किसी बच्चे को सोने की नौबत आए ये मुझे मंजूर नहीं है। दोस्तों, भाजपा ने करोड़ों गरीबों को पीएम आवास के जरिए पक्का घर दिया, और जब पक्का घर मिलता है तो सिर्फ 4 दीवारें मिलती है ऐसा नहीं है, जिंदगी में पहली बार उसके इसका एक एड्रेस तय होता है, जिंदगी में पहली बार वो स्वाभिमान की जिंदगी जीने की शुरुआत करता है, पहली बार वो जिंदगी में उस नए घर में नए आशियाने में नए सपने बुनना शुरू कर देता है। भाजपा ने गरीब माताओं बहनों के लिए करोड़ों शौचालय बनाए। ये शौचालय ये सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन का काम है इतना नहीं है, ये इज्जत घर है। वो लोग गरीबी से निकले हैं ना, उनको पता है कि माताओं बहनों को शौचालय न होने से कितना दर्द झेलना पड़ता था। या तो सुबह सूरज निकलने से पहले जाओ, या तो शाम को सूरज ढलने के बाद जाओ, दिन में जाना है तो पीड़ा सहन करती थी माताएं बहनें, जा नहीं सकती। ये दर्द गरीब मां का बेटा समझ सकता है। औरों के लिए शौचालय मजाक होगा, मेरे लिए शौचालय के पीछे मिशन मोड पर काम करना माताओं बहनों की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ मेरा भावनात्मक नाता रहा हुआ है। भाजपा ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। भाजपा ने गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए, और जयपुर का कोई व्यक्ति अगर चेन्नई गया और बीमार हो गया तो उसको भी वहां सिर्फ कार्ड काफी होता है, चेन्नई में भी उसको हॉस्पिटल में पूरी मदद मिल जाएगी। साथियों, कांग्रेस सरकारों की उपेक्षा के कारण हमारा तोरावाटी भी विकास के मामले में पीछे छूटता चला गया था, लेकिन कोटपुतली बड़ौदा मेव हाईवे से ये इलाका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है। पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी परियोजना को कांग्रेस ने दशकों से लटका कर रखा था। भाजपा सरकार ने हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी के मुद्दे को भी
हल कर दिया है। इन फैसलों से, इन परियोजनाओं से यहां के लोगों और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये सारे काम हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी नीयत सही है। हम ईमानदारी से आपकी सेवा का प्रयास करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, आज देश में बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान, लेकिन कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। आप देश की कोई भी बड़ी समस्या देखेंगे तो उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। आजादी के 7 दशकों तक देश में गरीबी रही कांग्रेस की वजह से। भारत को नई टेक्नोलॉजी के लिए, रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने कभी हमारी सेना को आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। कांग्रेस के समय में भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट करने वाले, हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान भारत के हथियार का निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। कल ही भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा सामान निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। भारत आज 80 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया हथियार बेचता है और इसलिए मैं फिर कहूंगा, नीयत सही तो नतीजे सही। साथियों, भारत की सफलता के बीच मैंने कभी हर देशवासी इस बात को भली भांति जानता है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि 10 साल में हमने सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया, लेकिन ये भी सच है कि जो काम आजादी के बाद 5-6 दशकों में नहीं हो पाए वो काम हमने करके दिखाए हैं। देश को जिस गति की जरूरत थी हमने उस गति से काम किया है। 2014 तक देश में 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। आपको आंकड़ा याद रहेगा, 2014 तक 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिजली से जुड़ी थी। कितनी, जरा बताएंगे, कितने किलोमीटर? 20,000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? इतने आजादी के बाद इतने सालों में 20,000 किलोमीटर याद रहेगा। 10 वर्षों में मोदी ने 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों को बिजली से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। कांग्रेस ने दशकों तक
केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। बीजेपी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। भाइयों बहनों, 370 मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो मैं विशेष रूप से माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। आपका यह आशीर्वाद, आपका यह उत्साह, मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं। इन लोगों ने सालों तक चलाया। अगर राम मंदिर का नाम भी लोगे तो देश जल मरेगा, आग लग जाएगी। भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना, बना के नहीं बना, दिए जले आग नहीं लगी। तीन तलाक के खिलाफ हमने सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बेटियों की जिंदगी बचाने का काम किया। वन रैंक वन पेंशन लटका के रखे थे। मेरे वीर जवानों की वो मांग को भी बड़ी नम्रता के साथ आपके इस सेवक ने पूरी कर दी। दशकों से जिन फैसलों का इंतजार था वो मोदी ने पूरा करके दिखाए हैं। साथियों, और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा आप तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। साथियों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं,
तो कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोग जम करके जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही है, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा वोटर मारा सुरमा। मोदी तो देश के वोटर की ताकत से, जनता जनार्दन की ताकत से दिन रात दौड़ता है, आपके लिए दौड़ता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता है। और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, 19 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह जी, और पूरे राजस्थान से भाजपा के सारे उम्मीदवार, इनको दिया आपका एक एक वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। मेरा एक काम जरूर करना होगा आपको, करेंगे। देखिए गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है, हम तो वीरों की भूमि है, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही बर्फबारी क्यों न होती हो, रेगिस्तान में कितनी ही आंधी चलती हो, लेकिन हमारा राजस्थान का वीर बिना डगे बिना थके खड़ा रहता है। अगर मेरे देश का वीर जवान अगर किसी भी मौसम में मेरे देश के लिए तैनात रहता है, तो हमें तो देश के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो घर से निकल करके वोट जरूर करना है। मेरी ये बात घर घर पहुंचाएंगे, कितनी ही गर्मी है वोट करवाएंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ये बात पहुंचाएंगे। और एक बात मेरी पर्सनल जरूर कह देना, अब तो मैं सब दूर जा नहीं पाता हूं, लेकिन आज मैं जब आपके बीच आया हूं तो आप बताना कि मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम भेजा है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोटपुतली की धरती से विजय शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। जमकर गर्जे और बरसे, और इसके साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि परिवार जिसका होता है क्या उसे भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है। साथ ही उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर अपने परिवार को बचाने के लिए एक मंच पर आने की बात भी कही और कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए एक मंच पर विपक्ष आ गया है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए तमाम बीजेपी के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक मिलते हुए रूबरू होते हुए और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सेल्फी लेने का भी दौर शुरू हो गया है। जोश उत्साह वहां पर जनसभा में सभी लोगों के बीच देखने को मिला, खासतौर पर महिला
और युवाओं की संख्या यहां पर ज्यादा देखने को मिली, और महिला एक बड़ा वोटर हमेशा बीजेपी का रहा है। और देखिए खास रणनीति भी यहां पर मंच में देखने को मिली, महिलाओं को यहां पर मंच पर बैठाया गया था, उनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी, एक बड़ा मैसेज महिलाओं के बीच में भी देखने को मिला है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये चुनाव है, चुनाव के मायने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाते हुए नजर आए हैं, और साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि बीजेपी का मतलब क्या है, यानी कि विकास और समाधान। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी का मतलब भी उन्होंने बताया, कहा कि देश की हर बीमारी की जो जड़ है वो कांग्रेस है, यानी कि आप कोई भी समस्या उठा लीजिए तो उस जड़ में कांग्रेस ही नजर आती है। साथ ही राम राम सा के साथ उन्होंने भाषण की शुरुआत की, और ये भी कहते हुए नजर आए कि दाल बाटी चूरमा वोटर मारा सूरमा। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि 10 साल का काम अभी ट्रेलर है, बहुत कुछ काम करना भी बाकी है, जो तीसरा कार्यकाल होगा वो ऐतिहासिक होगा और निर्णायक फैसलों वाला होने वाला है। जाहिर तौर पर चुनाव के उन्होंने मायने समझाए हैं, और साथ ही जनता जनार्दन से आह्वान किया कि पहले मतदान और फिर जलपान। लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आज लोग पहुंचे कोटपुतली से, विजय शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, चाहे वो 370 का जिक्र उन्होंने किया हो, राम मंदिर, 3 तलाक, वन पेंशन, और इसके साथ ही ERCP का भी उन्होंने जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है ERCP को डिले करने के लिए। और इसी खबर के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।